नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरे बाकी वीडियो से काफ़ी हटके हैं। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और उसके पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं हैं या बहुत ही कम पूंजी है। उसके साथ वो अपने बिजनेस को या अपने काम को किस तरह से आगे ले जा सकता है, इसके ऊपर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो होप है जैसे ही आप लोगों ने बाकी वीडियोस में प्यार दिया है, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली का सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं कई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बताऊँगा, नॉर्मल चीज़ें जो आपके घर में यूज़ होती हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से आप मिल जाएंगी और जिन्हें बेचकर या जिनका बिज़नेस करके आप होलसेल में भी कर सकते हैं, जिनका बिज़नेस करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, आइए बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पर आता है खाना। खाना जानते ही हैं कि खाने के बिना तो जीवन ही नहीं है। आदमी उसी के लिए कमाता है, उसी के लिए सब कुछ करता है, उसी के लिए चोरी भी करता है। हर चीज़ समझिए खाने से जुड़ी हुई है, क्योंकि आदमी जब खाली पेट होता है, जब वो भूखा होता है, तो वो कोई भी काम और कैसा भी काम कर लेता है। अगर आपके घर में खाना बन रहा है दिन में किसी भी टाइम, तो आपके घर में आलू ज़रूर बनेगा। तो नंबर 1 चीज़ है आलू। आलू के बिना आप अपने खाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आलू के बिना कोई सब्ज़ी पूरी नहीं होती है। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इससे आलू से कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। आज की डेट यानी 12 जून 2024 को आलू अगर आप लेने जाते हैं नॉर्मल, तो आपको 30 रुपए किलो मिलता है। यही आलू अगर आप मंडी से लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते में पड़ जाता है। हालांकि वहाँ क्वांटिटी में लेना पड़ता है, लेकिन वो आपको आलू काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। अब आपको करना क्या है कि सुबह आपकी जो सबसे बड़ी मंडी हो अपने शहर की, जो सबसे बड़ी मंडी हो, वहाँ आपको सुबह जल्दी पहुँच जाना है और मंडी में देखना है कि आलू किस जगह सबसे सही मिल रहा है और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो, यानी कि आप बेकार आलू उठा लाएँ, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक ठाक हो, साफ़ सुथरे हो, उसको देखना है कि कितने रुपए में मिल रहा है। मेरे हिसाब से आपकी जो मंडी होगी उसमें आलू लगभग आपको 18 से 20 रुपए के लगभग मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं ये 100 kg की बात कर रहा हूँ। जब आप 100 किलो लेंगे तब आपको ये रेट पड़ेगा। हालांकि आप अगर 100 किलो नहीं चाहते हैं तो 25 किलो से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 2-3 रुपए और महंगा पड़ेगा। मतलब मान के चलते हैं कि वो आलू आपको 22-23 रुपए में पड़ गया। फिर उसके बाद उसको वहाँ से लाना ले जाना भाड़ा सब में जोड़ के लगभग 25 रुपए मान लेता हूँ। यही आलू आप 30 के बजाय 28 में यहाँ बेच सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा मुनाफा होगा। इस तरह से आप अपने एरिया में आलू के एक होलसेलर भी बन सकते हैं। आप क्वांटिटी में आलू उठाइए और उसके बाद वहाँ के जो छोटे सब्ज़ी वाले होते हैं उनको सस्ते दाम पे दीजिए, या आप रिटेल में भी बेच सकते हैं। तो हमारा दूसरा आइटम है प्याज यानी अनियन। अगर आपके घर में सब्ज़ी बन रही है या कुछ भी खाने की चीज़ बन रही है तो उसमें प्याज ज़रूर पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 90% घरों में प्याज का इस्तेमाल होता ही होता है। जैसा कि मैंने आलू के लिए आपको बताया, वैसा ही आप सेम प्रोसेस प्याज के लिए भी कर सकते हैं। प्याज के लिए भी आपको अपनी मंडी जाना है, वहाँ से अच्छे रेट में, सस्ते रेट में, अच्छे मीडियम क्वालिटी का प्याज वो लेके आना है और उसको भी आप इसी के साथ या आलू के साथ, आलू और प्याज का बिज़नेस एक साथ कर सकते हैं या उसका होलसेल एक साथ कर सकते हैं। तीसरा आइटम है टमाटर यानी टोमेटो। आलू और प्याज के बाद टमाटर सब्ज़ी में यूज़ होने वाला सबसे कॉमन आइटम है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम घरों में सब्ज़ी में या बहुत सारे आइटम्स में टमाटर का यूज़ होना ही होना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा आइटम बता रहा हूँ, तो मैं वो आइटम बता रहा हूँ कि जो हर घर में हर रोज़ हमेशा इस्तेमाल होने ही होने हैं। इनके बिना तो कोई भी घर किसी भी चीज़ की या किसी भी खाने की कल्पना नहीं कर सकता है। आलू, प्याज, टमाटर, इनके बिना तो किसी भी घर का खाना बनना इम्पॉसिबल है। तो मैं इसीलिए आपको वैसे प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपको इजीली मिल जाएं और आप इजीली उनका काम कर सकें।
टमाटर के लिए भी आपको अपनी मंडी में जाना है और वही सेम प्रोसेस जो आलू और प्याज के लिए किया था वही सेम प्रोसेस करना है। आप इनको अलग अलग भी होलसेल कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये तीन आइटम, ये जो मैं पांच आइटम आपको बताने वाला हूँ, इनको आप अगर सिर्फ दो रुपये कम करके भी बेचेंगे तो एक किलो लेने वाला 2 किलो लेगा और 2 किलो लेने वाला 5 किलो लेगा। तो हमारा चौथा आइटम है चीनी यानी शुगर। आलू प्याज टमाटर की तरह ही बिना चीनी के भी किसी घर का किचन पूरा नहीं होता है। व्यक्ति सुबह उठते ही उसको चीनी चाहिए, मतलब चाय चाहिए। चाय के बिना शायद ही किसी की सुबह होती हो। और चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर समय हर ओकेजन पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सुबह नाश्ते के लिए चाय चाहिए, शाम को थकान उतारनी है ऑफिस के बाद तो चाय चाहिए, रात में देर तक पढ़ना है तो चाय चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है तो चाय चाहिए, पार्टी है तो चाय पीनी है, घर में कोई फंक्शन है तो चाय होनी ही होनी है। तो मतलब चाय, आप सोचिए कि चाय बिल्कुल हम लोगों के बिल्कुल बस गई है शरीर में, कि कोई भी चीज़ हो चाय तो हर फंक्शन पे चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि चीनी का बिज़नेस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको अपने शहर की जो सबसे बड़ी आढ़त मंडी है, आढ़त मतलब जहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, दाल चावल ये सब मिलता हो, वहाँ पे आपको जाके सबसे अच्छे से रेट में अच्छे से नेगोशिएट करके चीनी लेनी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मैं बता रहा हूँ, इस समय जो चीनी का भाव है पर केजी वो 40 रुपये है रिटेल में। अगर आप यही चीनी वहाँ से लेने जाते हैं पर बैग के हिसाब से 50 या 100 केजी के हिसाब से तो वो आपको 30 रुपये में पड़ जाएगी। आप वहाँ से लाने का भाड़ा मांग लीजिए 5 रुपये हो जाते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 5 रुपये बचते हैं। आप 2 रुपये कम करके भी पर केजी वो चीनी यहाँ देते हैं तो आदमी हाथों हाथ उसे लेगा। तो ये हो गया चीनी का बिज़नेस। चीनी के बाद आते हैं अपने पांचवें प्रोडक्ट पे। हमारा पांचवा प्रोडक्ट भी चीनी से रिलेटेड ही है, यानी चाय से रिलेटेड है, जो कि है चाय की पत्ती। चीनी की तरह चाय पत्ती भी हर घर में इस्तेमाल होती है। और अब देखिए, मैं ऐसी आपको छोटी छोटी आइटम बता रहा हूँ जिसे आप बड़े आसानी से और बहुत ही कम लागत में कर सकते हैं। चाय की पत्ती हर घर में इस्तेमाल होती है, आप जानते हैं। तो आपको चाय की एक जो मार्केट है, जैसे आपको मैंने आढ़त की मार्केट बताई, वहीं आपको चाय पत्ती की भी मार्केट मिल जाएगी। वहाँ अलग से एक सेपरेट सेक्शन होता है चाय पत्ती का, यहाँ आपको होल सेल रेट में चाय पत्ती मिल जाती है। आपको लो से लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी चाय तीनों ही मिल जाएंगी। आज 12 जून 2024 को मैं जो चाय यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको 120 रुपये किलो में लाता हूँ। यही चाय अगर आप अपने होलसेल मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 से 100 रुपए के बीच में मिल जाएगी। मैं बैग की बात कर रहा हूँ 50 केजी के। तो इस तरह से आप उसे यहाँ लाकर मैक्सिमम आपको बुलाने में 5 रुपये का खर्चा होगा। मैं पकड़ लेता हूँ कि 100 रुपए में भी आपको चाय पड़ जाती है या 110 में भी पड़ जाती है तो 10 रुपए आपका सीधे सीधे पर केजी पर मुनाफा है। और चाय पत्ती आप जानते हैं वो बिल्कुल हाथों हाथ बिकती है। मीडियम क्वालिटी वाली भी आप बेच सकते हैं और चाहे तो आप सारे लो क्वालिटी भी दे सकते हैं, मीडियम क्वालिटी भी दे सकते हैं, तीनों तरह की चाय आप होलसेल कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बता रहा हूँ जो मतलब ग्राउंड लेवल से आप कर सकते हैं, ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और ये वो बिज़नेस है जिसके लिए आपको कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई दुकान नहीं लेनी है, बस आपको एक अपनी मार्केट पकड़ लेनी है, शॉप्स पकड़ लेनी है और उनको जाके अपना प्रोडक्ट बताना है कि मेरे पास ये आइटम है, आप लेना चाहते हैं, मैं आपको ये रेट दे रहा हूँ, मार्केट में ये रेट मिल रहा है, कंपटीटिव लगे तो मेरा रेट लीजिए। अच्छे से उनको अपनी बात कन्वे कीजिए, उनको अपनी बात समझाइए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन 5 चीज़ों में से अगर आप एक का भी काम कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।